Good morning, students. So today we discuss about our next topics. Can matter change its state? Can matter change its state? So in our previous lectures, we have discussed about the states of matter. We have known that three types of states can exist in universe. The solid state, the liquid state, and the gaseous state. Students, we have also discussed about these three types of states of matter. Students, we all know that we are familiar with water. Water can exist in three types of states. We have seen that water is exist in solid form as ice also water. So water is form of liquid state and water vapor is form of gaseous states. So students, we have also known that water can exist in these three different types of states: ice as solid, water as liquid, and water vapor or steam as gaseous states. So students, we have discussed today, can matter change its states? Then solid to liquid states can change, liquid to gaseous states can change. So we have discussed today about this. Students, what happen inside matter during this change of states taken place? So we have known today that what happen inside the matter during this change of states taken place, and also we have familiar that this change of states why should be represented. So students, change of states taken place due to the characteristics of particle of matters. ठीक है, यानी कि matter में जो characteristic है, particle की जो characteristic है, उनके हिसाब से matter की जो state है वो change होती है. So change of states depend on the characteristics of particles of matter. So we have discussed today which factor can affect this type of changes, यानी कि change of states. तो कौन से factor affect करते हैं, कौन सी physical quantity affect करती है उसको? तो पहले तो temperature can change the state of matter, and also pressure can change the state of matter. So today we discuss effect of change of temperature. यानी कि temperature हम घटाए या फिर बढ़ाए तो उसके हिसाब से matter की जो state है उनमें कैसे change होता है, कैसे बदलाव आता है, तो उसकी discussion हम आज करेंगे. Students, मैंने आपके सामने एक figure draw की हुई है कि इसमें कि हमने क्या लिया हुआ है कि एक आयरन स्टैंड है. ठीक है, आयरन स्टैंड, तो उसकी मदद से हमने थर्मोमीटर को सस्पेंड किया हुआ है. ठीक है, बीकर में जो आइस है, ठीक है, बीकर में जो भी आइस है उसके टच में ये थर्मोमीटर हमने सस्पेंड किया हुआ है. ठीक है, अब कि हमने यहाँ पर ग्लास कवर का भी यूज करना है. ये बीकर है, बीकर के अंदर अभी हमने क्या लिया हुआ है, तो आइस क्यूब हमने लिए हुए. ठीक है, आइस क्यूब. स्टूडेंट, वी आल्सो यूज बर्नर हियर. सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ अवर एक्टिविटी. ये फिगर तो वो हमारे एक्टिविटी की अरेंजमेंट दी गई हुई है. स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट
इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सो व्हाट वी डू हियर, बर्नर, तो बर्नर की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो बीकर है उस बीकर को हम क्या करेंगे, हीट कर दे। बर्नर की मदद से हम क्या करेंगे, ये जो बीकर के अंदर जो आइस है उसे हम क्या करेंगे, इस बर्नर की मदद से हीट करेंगे। ठीक है, यानी कि लो फ्लेम से पहले हम उसे हीट करते हैं। अब क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम बर्नर की मदद से हीट अप्लाई करते हैं, लो फ्लेम से हीट अप्लाई करते हैं इस बीकर बीकर में अंदर जो भी आइस है वो, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आइस क्यूब है धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू करेंगे। ठीक है, आइस क्यूब वो मेल्ट होना शुरू करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर थर्मोमीटर हमने क्यों अरेंज किया है, क्योंकि उसकी मदद से हमें पता है कि थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर का यूज क्या है, थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर, थर्मोमीटर कैन मेजर द टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आइस क्यूब के, आइस क्यूब का जो भी टेम्परेचर है वो हम इस थर्मोमीटर से नोट कर पाएंगे। स्टूडेंट्स ग्लास जार का भी यहाँ पर हम यूज करेंगे, मगर अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट दिस बर्नर एज लो फ्लेम बीकर में। तो बीकर में हमने जो भी आइस क्यूब लिए तो वो कितना आइस क्यूब लिए, तो 115 ग्राम ऑफ आइस क्यूब वी हैव टेकन इन बीकर, 115 ग्राम ऑफ आइस क्यूब वी हैव टेकन इन बीकर। ऑल्सो वी हैव सस्पेंड दिस लेबोरेटरी थर्मोमीटर एज कॉन्टेक्ट विद दिस आइस क्यूब, दिस बल्ब कैन कॉन्टेक्ट विद दिस आइस क्यूब, सो वी हैव मेजर द टेम्परेचर ऑफ दिस आइस क्यूब विद दिस हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। सो स्टूडेंट्स अब हम वन बाय वन, हमने जो भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे तो वन बाय वन हम उसकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अबाउट 115 ग्राम, कितना, 115 ग्राम ऑफ आइस इन ए बीकर एंड सस्पेंड ए थर्मोमीटर सो दैट इट्स बल्ब इज इन कॉन्टेक्ट विद द आइस। यानी कि यहाँ पर हमने बीकर में कितना 115 ग्राम आइस क्यूब लिए और ये जो थर्मोमीटर है तो थर्मोमीटर का बल्ब इस आइस क्यूब का कॉन्टेक्ट में हम रखते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस थर्मोमीटर की मदद से हम आइस क्यूब का टेम्परेचर मेजर करेंगे। ठीक है, आगे जाते हैं, स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम, यानी कि अब बर्नर की मदद से हम क्या करते हैं, ये जो बीकर है उसे हीट करते हैं। ठीक है, लो फ्लेम से पहले उसे हीट करते हैं। नेक्स्ट, नोट द टेम्परेचर व्हेन आइस स्टार्ट मेल्टिंग, यानी कि यहाँ पर हम टेम्परेचर नोट डाउन करेंगे, जैसे ही हम लो फ्लेम से बर्नर की मदद से इस बीकर को हीट करते हैं, यानी कि आइस अब मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, यानी कि हमें इस थर्मोमीटर की मदद से, इस थर्मोमीटर की मदद से आइस जब भी मेल्ट होना स्टार्ट करे तो वो टेम्परेचर हमें नोट डाउन करना है। आगे, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, धीरे धीरे क्या होगा कि हम बर्नर की मदद से हीट अप्लाई कर रहे हैं इस बीकर को, यानी कि ये जो आइस है तो आइस धीरे धीरे क्या वॉटर में कन्वर्ट होता है, जैसे जैसे हीट हम ज्यादा घटाएंगे, यानी कि ये आइस, तो आइस नाउ चेंज इन वॉटर, सो आइस, आइस वो सॉलिड स्टेट थी, आइस क्यूब तो वो सॉलिड फॉर्म में थे, और वो तो आइस क्यूब अब जब हम उसको बर्नर की मदद से हीट करते हैं, यानी कि आइस नाउ मेल्ट, सो आइस अब इसमें कन्वर्ट होता है, आइस अब वॉटर में कन्वर्ट होता है, यानी कि वॉटर तो वो लिक्विड स्टेट में, यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, यहाँ पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन होता है तो वो हमें नोट डाउन करना है, और सॉलिड टू लिक्विड स्टेट में जब भी कन्वर्जन होता है, ठीक है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी हम इस थर्मोमीटर की मदद से नोट डाउन करेंगे। नाउ पुट ए ग्लास रोड इन द बीकर एंड हीट बाय स्टरिंग टिल द वॉटर स्टार्ट बॉइलिंग, अब क्या करना है, अब आगे कि हमें इस ग्लास जार, यानी कि ग्लास रोड की मदद से क्या करना है, ये जो वॉटर है आइस क्यूब, तो आइस क्यूब अब क्या हो गया, आइस क्यूब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आइस क्यूब तो उसका इसमें कन्वर्जन हो जाएगा, तो उसका वॉटर में कन्वर्जन हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब वॉटर में उसका
इस वाटर को ग्लास फ्लो की मदद से स्टरिंग करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम क्या करते हैं, बर्तन की मदद से हीट तो अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी कि लो फ्लेम से हम हीट तो अप्लाई करते हैं, यानी कि अब ग्लास फ्लो की मदद से हम जब भी इस वाटर को स्टरिंग करते हैं, ठीक है, यानी कि अब क्या होगा, धीरे धीरे ये वाटर तो वाटर वेपर फॉर्म होती है, वाटर तो वाटर कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर, यानी कि अब स्टीम फॉर्म होती है, ठीक है, यानी कि उसका भी हमें टेम्परेचर इस थर्मोमीटर की मदद से नोट डाउन करना है। व्हेन दिस वाटर स्टार्ट बॉइलिंग तो वो भी जो टेम्परेचर है वो भी टेम्परेचर हम इसकी मदद से नोट डाउन करेंगे, इस थर्मोमीटर की मदद से मेजर करेंगे। ऑल्सो रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैसियस स्टेट। स्टूडेंट्स वी हैव नोट दैट वाटर इज इन लिक्विड स्टेट एंड वी हैव using this glass for and stirring this water, so after some times this water can convert in water vapor or steam, so water vapor or steam is in gaseous state, so here liquid to solid, liquid to gas conversion takes place, so we have also record the observation for conversion of liquid gases and also we have note down the temperature using this thermometer. So students, we have discussed that effect of change of temperature, yani ki burner ki madad se hum heat apply karte hain, yani ki temperature ko bada rahe hain, kya dheere dheere temperature ko bada rahe hain, isse burner ki madad se hum kar ko heat kar rahe hain, yani ki uska temperature kya bada rahe hain, to yani ki जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता है, तो कि एक कन्वर्जन एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होता है। पहले आइस क्यूब था, आइस क्यूब में से वाटर में कन्वर्ट हुआ, फिर वाटर से तो वाटर में से वाटर वेपर यानी कि स्टीम में हमें कन्वर्जन मिला, यानी कि सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्जन होता है और लिक्विड में से गैसीय स्टेट में कन्वर्जन होता है बाय इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। स्टूडेंट्स आप पहले ही अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। स्टूडेंट्स सो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, सो हियर वी हैव डिस्कस एक्टिविटी देयर व्हाट वी हैव अंडरस्टैंड By this activity, students क्या कर रहे हैं हम इधर, तो कि बर्नर की मदद से धीरे धीरे इस स्पीकर को हम हीट अप्लाई करते हैं, यानी लो फ्लेम से इसे हीट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आइस इज इन सॉलिड स्टेट, सो वी हैव नोन दैट इन आइस पार्टिकल ऑफ इन सॉलिड स्टेट कंबाइंस विथ ईच अदर with maximum force of attraction. So solid state में जो भी particles है तो वो एक दूसरे के साथ जो combination है उनका, यानी उनके particle के बीच का जो force of attraction है वो ज्यादा है। मगर अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम उसे heat apply कर रहे हैं, यानी अब क्या होगा, ये solid form में जो ice cube जो solid form है अब क्या होगा, धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट करेगा, ठीक है, यानी कि आइस स्टार्ट मेल्टिंग नाउ, ठीक है, जैसे जैसे हम उसे हीट अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो बाय अप्लाइंग हीट दिस आइस नाउ स्टार्ट मेल्टिंग, और जैसे ही आइस मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो कि वो जो टेम्परेचर है तो वो थर्मोमीटर की मदद से नोट डाउन करते हैं, यानी कि अब क्या होगा कि अब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, हीट अप्लाई करके, यानी कि क्या हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, यानी सॉलिड स्टेट में क्या है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स है तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, मगर अब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, हमने आगे नोट डाउन किया है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस, टेम्परेचर इंक्रीजेस सो वी हैव नोट दैट
ऑफ सॉलिड काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस. सो व्हाट हैपन हियर, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, वी हैव नोन दैट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस दैट देन इन आइस पार्टिकल्स नाउ मूव फ्रीली. यानी कि अब जो पार्टिकल्स है वो ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. यानी कि क्या है, जो आइस में जो भी पार्टिकल है ठीक है, यानी कि अब वो वाइब्रेट होते हैं ठीक है, वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड. यानी कि व्हेन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस पार्टिकल्स इन आइस इन सॉलिड स्टेट नाउ वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड. सो व्हाट हैपन हियर, वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड यानी कि पार्टिकल्स नाउ मूव्स फ्रीली, पार्टिकल्स नाउ मूव्स फ्रीली. सो पार्टिकल्स नाउ मूव फ्रीली, पार्टिकल्स आर फ्री नाउ. सो व्हाट हैपन हियर, फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन नाउ फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन इज लेस. सो व्हाट हैपन हियर, एज पार्टिकल वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड यानी पार्टिकल नाउ मूविंग फ्रीली, सो फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स सो हियर लेस. सो ड्यू टू ग्रेटर स्पीड द फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल इज नाउ लेस. द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन is now less. So we have noted that solid yani ice now start melting, so we have noted that the temperature at which solid melt and become to liquid state is called melting point. So the temperature at which solid melts and become to liquid state at atmospheric pressure is called melting point. So the temperature, we have note down this temperature using this thermometer. So when solid starts melting, ice starts melting, so this temperature at the atmospheric pressure is called its melting point. And ice starts melting and melting point of ice. So melting point ice is equal to 0 degrees Celsius और Kelvin में, Kelvin में होगा 273 Kelvin. तो ये हमें याद रखना है कि ice का जो melting point है वो कितना होगा 273 Kelvin. और ये melting point क्या indicate कर रहा है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करेगा, सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या इंडिकेट करता है, दैट
स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन. मेल्टिंग पॉइंट कैन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस ऑफ द एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट्स. सो वी ऑल्सो नो दैट मेल्टिंग पॉइंट कैन इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट. ऑल्सो वी हैव नोट डाउन दैट दिस स्टेट ऑफ चेंज टेकन प्लेस. सो सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में जो कन्वर्जन होता है यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इज द पॉइंट व्हेन सॉलिड कन्वर्ज इनटू लिक्विड स्टेट. सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज फ्यूजन. So you have remember that solid to liquid state conversion to also known as fusion. So students, you have noted down this in your notebook. So today we have discussed about effect of change of temperature. Now further discussion we have discussed in our next lecture. Thank you.